नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ख़ास ज़बरदस्त 100 फ़ायदों वाली एक ऐसी रेसिपी जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग कर खाएंगे। आज हम बनाएंगे आंवले की खट्टी मीठी लौंजी, या फिर आप इसे चटनी भी बोल सकते हैं। आंवले के अंदर ढेर सारा विटामिन सी और आयरन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है और हमें सर्दी खांसी वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों से भी बचाता है। और यकीन मानिए, स्वाद में ये इतना लाजवाब चटनी बनती है कि आप सारा खाना सब्जी छोड़ इस चटनी से चट कर जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाना शुरू करते हैं। आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए, अभी सर्दियों के मौसम में जो ताज़े आंवले मिलते हैं हरे वाले, मैंने यहाँ पे 250 ग्राम था आंवले लिए हैं, उसको धो लिया है और अब इसको हमें बॉईल करना है। तो एक कुकर में मैंने देखिए आंवले डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ और अब इसको ढक्कन लगा के हम गैस पे चढ़ा देंगे और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और इसको 3 से 4 सीटी आने दीजिए। तो देखिए 3 से 4 सीटी हो गई है और सीटी पूरी, कुकर पूरी ठंडी हो गई है। तो देखिए आंवले हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। तो अब इसको मैं छान लूँगी एक छन्नी में। तो देखिए मैंने छान लिया है, पानी में से बाहर निकाल लिया है। अब आंवले देखिए कितने अच्छे से हमारे उबल गए हैं कि बीज जो है एकदम इजीली निकल रहा है। तो इतना ही, इसी तरह से हमें आंवलों को उबालना है। तो देखिए ये सारे बीज मैं कितने आराम से निकाल रही हूँ और एक एक कलियाँ उसकी जो है खिलती जा रही है, निकलते जा रही है, देखिए अपने आप। तो इस तरह से हमें ये आंवलों को उबालना है। तो देखिए मैंने सारे बीज को निकाल लिया है। तो अब इसकी हम चटनी बनाएंगे, लेकिन ये आंवले जो है बच्चे भी खाएं इस चटनी को। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अब एक मैशर लेंगे और मैशर से इसको हमें थोड़ा थोड़ा मैश कर लेना है, जिससे बच्चों को भी खाने में तकलीफ़ नहीं आएगी और वो भी मज़े लेके खाएंगे। तो देखिए मैं मैशर ले ली हूँ और इससे मैं हल्का हल्का इसको मैश कर रही हूँ, जिससे आंवले उनको पता नहीं चले। तो ये देखिए सारे आंवलों को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, सारे नहीं मैश की हूँ, हल्के हल्के उनको मैश कर दी हूँ। तो चलिए अब चटनी बनाते हैं। अब गैस पे देखिए मैंने कढ़ाई रख लिया है और ये चटनी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, क्योंकि सरसों के तेल में ही इस चटनी की टेस्ट ज़्यादा आती है। तो देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं मेथी दाना, 1/4 हींग डाल रही हूँ, उसके बाद 1/2 चम्मच यहाँ पे कलौंजी डाल रही हूँ जो मंगरेला बोलते हैं, और 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया को क्रश कर लिया है वो डाल रही हूँ, इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। ये अचार के मसाले हैं, तो इससे जो है टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा भूनेंगे। तो देखिए भून लिया है, अब इसमें हम ये आंवलों को डाल देंगे और डाल के इसको हमें 1 से 1.5 मिनट भूनना है, बस ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 1.5 मिनट भूनना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखना है आपको और बस इस तरह से चलाते हुए, ताकि अभी आंवले जो है पानी छोड़ेंगे, तो 1 से 1.5 मिनट ही हमें इसको भूनना है। तो देखिए अब ये आंवले हमारे भून चुके हैं 1 से 1.5 मिनट। अब यहाँ पे हम डालेंगे गुड़, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे 1 कप मैंने गुड़ लिया है, उसको चाकू से मैंने क्रश कर लिया है, तोड़ लिया है, जिससे ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। तो गुड़ भी अपना पानी छोड़ेगा और आंवला भी, दोनों हमें इसी में पकाना है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हुआ है, पूरा पिघल चुका है। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1 चम्मच में तीखा लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप कश्मीर लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है। अब यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ और इसी के साथ मैंने 1/2 चम्मच सादा नमक लिया है, आप दोनों नमक डाल सकते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। बस अब हमें कुछ भी नहीं डालना है, अब ये सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है और मिक्स करके फिर से 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि गुड़ भी गाढ़ा होता है और ये ठंडा होने के बाद ये चटनी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो पानी तो हमने बिल्कुल नहीं डालना है, तो सिर्फ गुड़ के पानी में हमें पकाना है। तो 2 से 3 मिनट बहुत होता है और ये अच्छे से पक चुका है, आंवला भी हमारा उबला हुआ है। तो देखिए ये चटनी इतनी अच्छी बनी है कि पूरे किचन में इसकी खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गया है और आंवला हमारा पूरा अच्छे से बन गया है, चटनी हमारी बन गई है। और देखिए अभी ये कितना गाढ़ा हो गया है, ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इतना ही पकाना है, गैस बंद कर देंगे और ये देखिए अब मैं चटनी को सर्व कर रही हूँ।
तो ये चटनी आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको आलू के पराठे, गोभी के पराठे, नॉर्मल पराठे, किसी भी चीज़ से खाइए, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो इस तरह से आमली की चटनी बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।